तुम बैठो, मैं डैडी को बताकर आती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सूरज इतनी छोटी उम्र में हम सबको इस तरह से छोड़ के चला जाएगा। रियली अपसेट। मैं समझ सकती हूँ मैम तुम पर और घर वालों पर क्या बीत रही होगी, और बेचारी सीमा। छोटी माँ और सीमा की हालत देखी नहीं जाती। सूरज गया है लेकिन बहुत बड़ा दुख देकर गया है। सब ठीक हो जाएगा मोहन, इतना बड़ा हादसा हुआ है, सबको भुलाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। तुम अकेले नहीं हो मोहन, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स मोहन। हेलो मोहन, आप दोनों बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। बैठो। तुम्हारी फैमिली के साथ जो हादसा हुआ, मुझे पूरी हमदर्दी है तुम्हारे साथ। सर मैं अभी एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ आपके पास। सोनल ने बताया होगा आपको? हाँ, सोनल ने बताया था मुझे। मैं आज ही पुरुषोत्तम की जॉब की बात करूंगा। दिल्ली मेरी काफी जान पहचान है, डोंट वरी, उसकी जॉब हो जाएगी। थैंक यू सर। ये थैंक यू तुम घर रख के आया करो। अच्छा मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम्हारी और सोनल की शादी की। सर मुझे एक महीने का वक्त दीजिए, जब तक घर में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ओके, मैं समझ सकता हूं।